Hey guys, welcome to Swati Art Studio. This is me, Swati. तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये पेंटिंग कैसे रिक्रिएट कर सकते हो. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगी कि आप कलर्स कौन से यूज कर सकते हो, प्लस आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे जाना है. सो रिसेंटली ये कैक्टस वाली पेंटिंग्स मुझे बनाने में बहुत मजा आ रहा है. आई हैव टू अदर वर्जन्स जिसमें स्लाइटली डिफरेंट फ्लावर्स हैं और कैक्टस भी डिफरेंट है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई हैं. प्लस जो रेफरेंसेस हैं इन पेंटिंग्स के लिए वो मैंने पिंटरेस्ट से लिए हैं. अब ये जो फ्लावर्स का कलर है नॉट नेसेसरली सेम था, बट सिंस आई वॉज गोइंग फॉर वार्मर टोन्स, जैसे मैंने रेड यूज किया, पिंक सॉर्ट ऑफ कलर यूज किया, एंड नेक्स्ट आई वॉज थिंकिंग कौन सा कलर यूज करूँ बिकॉज पिंक रेडिश काइंड ऑफ कलर्स तो हो गए थे. सो मैंने ये ऑरेंज कलर यूज किया है. सो या दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कीप वॉचिंग दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं अपना स्केच बनाऊंगी, और स्केच बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ पेंसिल कलर. अब ये जो मैं पेंसिल कलर यूज कर रही हूँ ये वाटर सॉल्यूबल वाले पेंसिल कलर्स हैं. ये मैं इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि मेरी पेंसिल लाइंस ना दिखे जब मैं अपने वाटर कलर्स को करूँ. तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी सारी रेफरेंसेस पिंटरेस्ट से ली हैं, सो इस वाली ड्राइंग के लिए मेरी रेफरेंस पिक्चर ये है. जो फाइनल ड्राइंग है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई वो इस पिक्चर से काफ़ी अलग है. वो ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने अपने जो बाकी दो ड्राइंग्स हैं उनके साथ मैच करने के लिए एक तो साइज छोटा किया है इस कैक्टस प्लांट का, एंड दूसरा मुझे पिंक कलर के फ्लावर्स नहीं बनाने थे, सो इसलिए मैंने फ्लावर्स को ऑरेंज कर दिया. प्लस मैंने फ्लावर्स को एक तरह से चेंज ही कर दिया बिकॉज मैंने इस तरह के फ्लावर्स नहीं बनाए हैं. आई नो मेरा स्केच नहीं दिख रहा है, बट वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत लाइटली ड्रॉ किया है, क्योंकि मैं उसको चाहती हूँ कि वो जब मेरी कलरिंग हो तब वो मेरी जो लाइंस हैं वो ना नज़र आए, इसलिए मैं बहुत लाइटली ड्रॉ करती हूँ. बट मैं कलर करूँगी तो आपको नज़र आ जाएगा. सो मैंने जो फ्लावर्स हैं उनका पूरा शेप नहीं बनाया है, इनफैक्ट मैंने सिर्फ छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि मेरे फ्लावर्स कहाँ पर हैं. बाकी जब मैं पेंटिंग करूँगी तब मैं प्रॉपर पेटल्स वगैरह वो सारी शेप्स दूंगी. दूसरी बात ये है कि मैं जब जो मैंने आपको दिखाया कि अभी मैंने एक रिव्यू किया था 24 जो कैमल के शेड्स हैं वाटर कलर ट्यूब्स के, मैंने उनका भी एक रिव्यू किया था, तो उसी में से बहुत सारे नए कलर्स मुझे मिले. सो पहले क्या होता था कि मुझे मिक्स करती मैं नॉर्मली येलो और रेड को मिला के ऑरेंज कलर बनाती, बट सिंस मेरे पास ऑलरेडी ऑरेंज कलर था तो इसीलिए मैं ये ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ मेरे सेट में से. अगर स्पेसिफिक आपको नेम्स जानने हैं कलर्स के तो वो हैं इंडियन येलो और परमानेंट ऑरेंज. मैंने ये दो कलर्स यहाँ पर फ्लावर्स बनाने के लिए यूज़ किए हैं. थर्ड कलर जो मैंने अपने पैलेट पे निकाला है वो है लेमन येलो. अब इन तीनों कलर्स को मिक्स करके मैं जो हाईलाइट दिख रही है आपको कैक्टस पर वो पेंट करूँगी. इसके बाद मैंने ग्रीन कलर लिया है, एंड ग्रीन कलर को मैं जो येलो वाला एरिया है उसको छोड़ के बाकी जगह पे लगाऊंगी. एंड यहाँ पे बहुत ही लाइट सा वॉश करना है बिकॉज अभी हम पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो वॉश है हमारा कलर का वो हल्का होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे डार्क कर देंगे कलर तो बाद में जाके हम जो शेडिंग वगैरह हमें करनी है वो हम नहीं कर पाएंगे. अब नेक्स्ट स्टेप मैं कर रही हूँ जो फ्लावर्स हैं उनके बीच का जो सेंटर पार्ट होता है उसको मैं येलो से पेंट कर रही हूँ, और वही सेम इन फ्लावर्स में भी येलो ही है तो मैं वही यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ. अब बीच का पार्ट बनाने के बाद ही मैं पेटल्स को पेंट करूँगी. वही दो कलर्स जो मैंने सबसे पहले निकाले थे वही मैं यूज़ करूँगी पेटल्स को पेंट करने के लिए, जो ऑरेंज के दो शेड्स थे. अब मैंने आपको बताया था कि मैंने पेटल्स को पूरा ड्रॉ नहीं किया है, मैंने बस एक सर्कल बना दिया है फ्लावर के जगह पे. अब
सर्कल बनाने का फ़ायदा ये है, जब भी मैंने जब मैं क्लासेस देती हूँ बच्चों को, तो मैंने नोटिस किया है कि वो जो पेटल्स हैं वो छोटी बड़ी कर देते हैं। तो उसको सुधारने के लिए अगर हम पहले एक सर्कल बना लें तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी एक्सटेंड करनी है अपनी पेटल्स। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पेटल्स को पेंट करने का विदाउट ड्राइंग, मतलब आप स्केच ना करें पेटल्स को, तो आप इस तरह से बहुत अच्छे से उनको पेंट कर सकते हैं। आपको साइज़ का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लग जाएगा, और यही टेक्निक मैं बाकी दोनों जो मैंने बनाए हैं उसमें भी यूज़ करी है। जैसे मैंने दो पार्ट्स को पेंट किया था कैक्टस के, उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए मैं बाकी का जो कैक्टस के जो पार्ट्स हैं उनको भी पेंट कर दूंगी। अब मैं ज़्यादा डार्क कहीं पर भी नहीं लगा रही हूँ कलर, मैं थोड़ा सा लाइट ही वॉश अपना रख रही हूँ। अब नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है वो है सेकेंड लेयर, मुझे पेंट करनी है। सेकेंड लेयर में हम शेडोज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि इसमें थोड़ा सा, ताकि हमारा जो पेंटिंग है वो 3D लगे, जो भी हम ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जिसको भी पेंट कर रहे हैं वो थोड़ा 3D लगे, रियल लगे। उसके लिए हम उसमें शेडोज़ अलग अलग लेयर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने ग्रीन लिया था बेस, तो मैं ग्रीन का ही एक डार्कर वर्जन मैंने मिक्स किया है। इसको मिक्स करने के लिए मैंने जो बाकी ग्रीन थे उनको मिक्स किया अपने जो विरीडियन ग्रीन है उसके साथ, प्लस मैंने उसमें हल्का सा ब्लू मिक्स किया है। आप अगर ग्रीन को डार्क करना चाहते हैं कभी भी, तो उसमें ब्लू मिक्स कर दीजिए। ब्लू भी प्रूशियन ब्लू अगर आप मिक्स करोगे, अगर आप थोड़ा फेमिलियर हो कलर नेम से जो भी आते हैं, अगर आप इस सेट में भी देखोगे जो मैंने आपको सेट बताया जो वाटर कलर ट्यूब्स का सेट आता है, इसमें जो प्रूशियन ब्लू का शेड है, अगर आप उसको ग्रीन के साथ मिक्स करोगे तो आपको एक और डार्क ग्रीन मिल जाएगा, जो कि शेडोज़ वगैरह पेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अब मैं लेयर वाइज लेयर ज़्यादा डार्क करती जाऊँगी जितना मुझे लगेगा। अपनी जो रेफरेंस इमेज है उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का ग्रीन है, बट वो उसको बनाने के लिए मुझे वाइट मिक्स करना पड़ता एंड उससे पेंटिंग थोड़ी डल हो जाती, इसलिए मैंने वो नहीं किया है। एंड जो भी ग्रीन मेरे पास अवेलेबल है या जो मुझे थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, मैं उसी को यूज़ करके पेंट कर रही हूँ। हालांकि जो शेडोज़ हैं, जो लाइट एंड शेड का जिस तरह से जो रियल फ़ोटो में है, मैं उसी तरह से पेंटिंग में भी कर रही हूँ। अब एक चीज़ जो आपने अभी देखी वो था कलर लिफ्टिंग, जैसे कि मेरे से गलती से ब्रश हाथ से मेरी फिसल गया और जो पेंट है वो सफ़ेद वाली जगह पे लग गया जो कि नहीं लगना चाहिए था, तो उसको मैंने हटाने के लिए उस पर साफ़ पानी से अपना ब्रश फेरा, तो वो कलर उस पेपर में से निकल गया। तो अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि मैं एक अच्छी क्वालिटी का वाटर कलर पेपर यूज़ कर रही हूँ, ये टेक्निक करना इजी भी रहता है अगर आपका पेपर का क्वालिटी अच्छा है। अब जो मेरी पेंटिंग का जो ग्रीन वाला पार्ट है, क्योंकि अभी उसमें मैंने डार्क लेयर लगाई है तो अभी वो हल्का सा गीला है, तो मैं अपनी नेक्स्ट जो डार्क लेयर है उसको पेंट करने से पहले सही रहेगा कि मैं फ्लावर्स में जितनी डिटेलिंग करनी है उसको कर लूँ। तो आप इस तरह से जो पेंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं उन पर आप साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, बजाय कि आप एक ही एरिया के सूखने का इंतज़ार करें, क्योंकि अगर आप गीले पे लगा देंगे कलर तो इफ़ेक्ट कुछ और आ जाएगा जो कि आपने नहीं चाहते होंगे कि ये इफ़ेक्ट आए। तो इसलिए आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे वर्क करो बारी बारी से। तो जैसे मैंने ग्रीन पे वर्क किया अभी, अब जो कैक्टस का जो पार्ट ग्रीन वाला पार्ट है, अब वो जब तक सूख रहा है इसलिए मैं अपने फ्लावर्स को डिटेलिंग कर रही हूँ। अब डिटेलिंग करने के लिए मैंने जो, जैसे कि पहले मैंने लाइट ऑरेंज के कलर्स यूज़ किए हैं, हल्का वॉश लगाया है ऑरेंज का, तो अब मैंने उसमें रेड मिक्स किया है, या फिर हल्का सा ब्राउन मिक्स कर सकते हैं, या फिर एक आई थिंक एक रेड के और भी शेड्स हैं उस सेट में। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किस सेट की बार बार बात कर रही हूँ, तो मैंने अभी पहले भी बताया वीडियो में, मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक रिव्यू किया था 24 जो ट्यूब्स का सेट आता है
आर्टिस्ट वाटर कलर ट्यूब्स का, कैमल का, उसका मैंने रिव्यू किया था, तो उसी में से जो कलर्स निकले थे उन्हीं को मैं यूज़ इस पेंटिंग में कर रही हूँ। तो उसमें मैं कह रही थी कि रेड के काफ़ी सारे शेड्स निकले थे तो उनको मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज को डार्क करने के लिए। आपके पास जो कलर्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी रेड आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि फ्लावर्स मेरे सूख रहे हैं अब फिर से मैं ग्रीन वाले एरिया पर काम कर सकती हूँ क्योंकि वो सूख चुका है। इतनी देर में जितनी देर में मैंने फ्लावर्स पेंट किए उतनी देर में वो सूख गया और अब मैं ग्रीन वाला पार्ट कर रही हूँ। अब आप जैसा फोटो में देख रहे हो जहाँ पर कैक्टस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जुड़ रहे हैं वहाँ पर थोड़ी शेडोज जो हैं कैक्टस के ऊपर वो और भी डार्क हैं, तो उनको बनाने के लिए मैंने और डार्क ग्रीन मिक्स किया है। मतलब आप इसमें ब्लू की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हो और हल्का सा ब्राउन भी मिक्स कर सकते हो, तो इससे क्या होगा आपको एक काफ़ी डार्क ग्रीन मिल जाएगा। इस डार्क ग्रीन को यूज़ करके जिन एरियाज में सबसे ज़्यादा शैडो है आप वहाँ पे लगा सकते हो। अब जब मैं इतना पेंट कर चुकी थी अपनी पेंटिंग को तब मुझे लगा कि थोड़ी बैलेंस नहीं लग रही है, जो मेरी पेंटिंग है वो पेपर के सेंटर में नहीं आ रही है, तो उसको मैंने अपने पेपर के सेंटर में करने के लिए एक और कैक्टस में छोटा सा पार्ट ऐड कर दिया। तो आप किसी भी स्टेज पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो चीज़ें अपनी पेंटिंग में, बस शर्त है कि वो अच्छी लगनी चाहिए और आपकी पेंटिंग बैलेंस्ड लगनी चाहिए। क्योंकि मेरी पेंटिंग बैलेंस्ड नहीं लग रही थी, उसी से डील करने के लिए, उसी को सुधारने के लिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा कैक्टस का पार्ट बनाया है। तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने एक छोटी सी पेंटिंग में कितनी सारी लेयर्स में काम किया है। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि आप एक लेयर में पेंटिंग को कंप्लीट कर दोगे, उसमें डेप्थ दिखाने के लिए, उसमें जो पेंटिंग में 3D लाने के लिए, उसको थोड़ा रियल दिखाने के लिए बहुत सारी लेयर्स में पेंट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट फिर से मैं अपने फ्लावर्स पर आ गई हूँ और फ्लावर्स पर मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लावर मेरा हो चुका है। तो कुछ जो सेंटर है वहाँ पे कुछ डेप्थ ऐड करने के लिए मैंने और डार्क रेड कलर लिया है, उसमें मैंने ब्राउन मिक्स किया है हल्का सा, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े एकदम डार्क एरियाज को पेंट करने के लिए फ्लावर के। अब ये भी आखिरी लेयर नहीं है मेरी, इसके बाद भी मैं जितना मुझे लगेगा कि मैं और डेप्थ ला सकती हूँ जिन एरियाज में और डार्क कर सकती हूँ उनमें मैं करती जाऊँगी डार्क डार्क। और वाटर कलर के बारे में अगर आप फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि वाटर कलर में हम हमेशा लाइट टू डार्क जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइट से शुरू करके डार्क 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 लेयर इंट्रोड्यूस करती गई हूँ मैं। अब हम पेंटिंग के फाइनल स्टेजेस में पहुंच रहे हैं तो हमें फाइनल डिटेलिंग ऐड करनी है। अब फाइनल डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं गुआश कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको नहीं पता गुआश कलर्स क्या होते हैं, शॉर्ट में समझने के लिए बस ये समझ लीजिए कि ये ओपेक वाटर कलर्स होते हैं, यानी कि बहुत गाढ़े कलर्स होते हैं, जैसे कि पोस्टर कलर्स होते हैं ना उसी टाइप से ये कलर्स होते हैं। तो इनका यूज़ मेनली जो वाइट कलर होता है उसका यूज़ उन जगहों पर करते हैं बहुत सारे लोग जहाँ पे हमें डार्क के ऊपर लाइट कलर लगाना होता है, क्योंकि ये चीज़ आप वाटर कलर से नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास वॉश कलर्स नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजीली इसकी जगह पे पोस्टर कलर्स जो आते हैं नॉर्मल कैमलिन के जो पोस्टर कलर्स होते हैं या किसी भी कंपनी के पोस्टर कलर्स आप लाना, उससे आप ये चीज़ एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि पोस्टर कलर्स आपने देखा होगा बहुत गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर कलर्स। तो उनसे आप इस तरह के हाइलाइट्स या कुछ इस तरह की डिटेलिंग जहाँ पर आपको डार्क के ऊपर लाइट करना है उसको करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो जो कैक्टस है उसके जो कांटे होते हैं वहाँ पर थोड़े थोड़े वाइट 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 डॉट्स आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, तो उन्हीं को बनाने के लिए मैं ये कलर मिक्स कर रही हूँ।
अब आप देख रहे हो कि ये करते ही कितनी जान आ गई है पेंटिंग में, कितना खूबसूरत लग रहा है जो कैक्टस है। और आप ये भी नोटिस करो कि जो मैंने इन डॉट्स में हल्का सा ऑरेंज मिक्स किया है एंड वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जो फ्लावर्स का ऑरेंज है उसको। अब इसमें और डेप्थ लाने के लिए और जान डालने के लिए जो मैंने कांटे बनाए हैं या जो डॉट्स बनाए हैं उनको थोड़ा 3D दिखाने के लिए मैं उसमें शेडोज ऐड कर रही हूँ। तो अब वही ब्लू कलर या उसमें ब्राउन मिक्स कर लो, ग्रीन कर लो, एक डार्क सा मतलब बेसिकली ग्रीन कलर बनाना है। एंड उसके बाद उससे जो डॉट्स हैं उनके नीचे नीचे, जैसा कि आप रेफरेंस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, उस तरह से मैं उसमें नीचे नीचे शेडोज बना रही हूँ। तो वो ऐसे लग रहे हैं ना कि वो उभरे हुए हैं, जो कैक्टस की जो सतह है उसकी जो स्किन है उससे उभरे हुए हैं वो कांटे। वो वाला इफेक्ट देने के लिए ये शेडोज बनाना बहुत जरूरी है। अब पेंटिंग में बिल्कुल कुछ फाइनल डिटेल्स रह गई हैं ऐड करनी, बहुत ही जो डार्क एरियाज हैं सबसे लास्ट में पेंट किए जाते हैं, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। और ये मैं जो ग्रीन पार्ट है उसमें भी करूँगी और जो मेरा फ्लावर्स है उसमें भी करूँगी। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ क्लोजअप में दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई होती तो शायद आप नोटिस भी नहीं करते कि यहाँ पर मैंने कुछ किया भी है। बिकॉज़ वो इतना सेटल होता है, इतना मतलब माइन्यूट होता है कि पता भी नहीं लगता कि अच्छा ये चीज़ करी है। बट अगर आप वो करोगे तो उससे काफ़ी डिफरेंस पेंटिंग में आता है। इसके बाद आपका जितना मन चाहे आप डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे नीचे थोड़ी और डेप्थ लाई जा सकती है, शेडोज और डार्क करी जा सकती है, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप चाहिए तो इसको छोड़ भी सकते हो। अब मेरा लास्ट एंड फाइनल स्टेप है कुछ हाइलाइट्स ऐड करना, जो कि मैं वाइट कलर से करूँगी। मैंने वाइट गुआश कलर यूज़ किया है, आप वाइट पोस्टर कलर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये रही फाइनल पेंटिंग। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये पेंटिंग, स्पेशली कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैंने दो और आर्टवर्क्स बनाए थे। सो उसमें से पहला ये रहा एंड जैसा आप देख रहे हो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का ग्रीन है और फ्लावर्स इसमें मेरे पिंक है। सो आप मुझे बताना कि तीनों में से कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगी। ये है मेरी तीसरी पेंटिंग। सो इसमें कैक्टस गोल है एंड फ्लावर्स हल्के ऑरेंज एंड रेड का मिक्सचर है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो कैक्टस की तीनों पेंटिंग्स है वो भी पसंद आई होगी। सो वन एंड If you're interested in buying this set, आप मुझे मेरे Instagram handle जो मैंने description box में जिनका link दिया है उन पर आप मुझे message कर सकते हो। I hope आपको recreate करने में मजा आएगा, अगर आप कर चुके हैं या आप plan कर रहे हैं recreate करने का। जाने से पहले please make sure कि आपने subscribe करा हुआ है मेरे channel को। अगर आपने नहीं किया है तो आप red button को दबाकर subscribe
कर सकते हैं मेरे चैनल को। प्लस अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी। जो मेरा करंट प्लान है वीडियो अपलोड करने का, वो ये है कि मैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड देन सैटरडे को अपलोड करती हूँ। सो 3 वीडियोस मैं हर वीक अपलोड करती हूँ। इसमें DIY, वाटर कलर पेंटिंग, एक्रेलिक, बहुत सारे थीम्स मैं कवर करती हूँ। प्लस आई डू आर्ट सप्लाई रिव्यूज एज वेल। सो या अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो आपको जरूर मेरी वीडियोस देखने में मजा आएगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।